हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 2047 जॉब इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर रोड रिलेक्शन द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एक प्रतिशत क्या आपको जो जारी हुआ है, फिर आपको जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के द्वारा जारी हुआ है। आपका मिनिस्टर के अंदर आपका आता है, आपका आपका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप, आपको कैपिटल लेटर्स को फिल करके आप लोग जो GRF सेंटर पुणे है इसको आपको प्रिंट लगा के आपको बाय पोस्ट आपको भेजना होगा। ठीक है, जो 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 डॉक्यूमेंट्स दे दिया आप देख सकते हैं आपको क्या क्या दे दिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो छोटा एक्सपीरियंस हुआ कुछ भी लेवा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा आपको आपको अटैच करके आपको देना होगा। और डिक्लेरेशन फॉर्म आप देख सकते हैं आपका आपको दे कंपलसरी होगा, तो लेफ्ट हैंड लगा के साइन करके क्योंकि आपके ऊपर भेजना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा घर में, सब ये भी आपको फॉर्म फिल करके आपको देना होगा। उसके बाद आता है आपका जो जनरल SC ST के है उसको जो जनरल SC ST है उसको भी सर्टिफिकेट पोस्ट अंडर मुंबई ट्रेनिंग के द्वारा दे दिया, इसका नहीं है करके देगा तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो डॉक्यूमेंट्स करके सब कुछ आपको देना होगा ST ST के द्वारा, और वैलिड और जो इनका सर्टिफिकेट सब कुछ भी जो EWS कैंडिडेट से फोन को ले है यहाँ पर वैलिड है सब कुछ करके उनको देना पड़ेगा। ठीक है, बस नहीं है। और यहाँ पर जो जनरल शिक्षा है सिर्फ मेल कैंडिडेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फीमेल नहीं अप्लाई कर सकते। और आपको जो फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, कुछ भी ट्रेड टेस्ट होगा आपका पुणे सेंटर में होगा। इन लोगों ने दे दिया एड्रेस पिन कोड के साथ, जब जगह देख सकते हैं आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट सब कुछ होगा। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको यहाँ पर जगह देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ भी डाउट हो इस वेबसाइट पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जो जो कैंडिडेट का डेथ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो मास्टर का रिकॉर्ड फॉर 10th क्लास और हाई सर्टिफिकेट देना होगा। तो मार्कशीट प्लेस सर्टिफिकेट उन्होंने एक्सेप्टेड द प्रूफ ऑफ डेथ, लोगों ने पहले ही बता दिया। ठीक है, आपका कॉलेज रहा घर में तभी आप जाके एग्जाम और रिटेस्ट जाके दे सकते हैं। इसके बाद जो जनरल SC ST सब कुछ दे दिया, एज लिमिट के छार के द्वारा आपको कितने पर छार है लोगों सब कुछ दे दिया, जाके भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन में जाके आपका जो 1 लाख से जो पोस्ट है आपका मल्टी स्किल जो वर्कर मिशन है दे दिया सब कुछ, आपका एज लिमिट आपका क्या क्या है। उसके बाद आता है आपका जो मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट वो भी दे दिया आपको, 18 से 17 के बीच में आपको होना होगा। आप जो भी गवर्नमेंट सर्विस होगा सर्वेंट होगा उसको 40 ईयर्स का केस छूट मिलेगा, तो जनरल कैंडिडेट को छूट मिलेगा। ठीक है, OBC को 43 और जो ST ST उनको 45 साल तक उनको छूट मिलेगा। कैटेगरी उन लोगों से पूछ रहे थे SC ST को 5 साल का, EWS ये होगा नील चने आदर्श बैकग्राउंड को 30 साल का, गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के द्वारा सिविलियन एम्प्लॉय यहाँ पर 50% का छूट दे SC ST को, तो इसको दे दिया उनको सब कुछ दे दिया। आप जाके भी एक बार देख सकते हैं, आपको 45 दिन तक आपका लास्ट डेट होगा, और इसे अंदर अंदर आपको करके देना होगा, नहीं तो आपका बाद में आपका रिजेक्ट हो सकता है। मुझे जब सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड तो पापा करते हैं रिटायर हो जाएगा तभी आपको एक बार 15% आपको छूट मिलेगा। वन सन बेग सन 90 BC सर्टिफिकेट का तो 10% का यहाँ पर छूट मिलेगा। अप्लाई आप हायर पोस्ट के ओपन मार्क पे तो भी आपको 15% का छूट मिलेगा। सन ऑफ सन एक सर्विस में तो 3% का छूट मिलेगा। स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल लोग एज वेल पेड लेवल होगा जिसमें इसको 10% का 5% का यहाँ पर छूट मिला सब कुछ उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब जो SC ST कैंडिडेट उनके लिए फ्री है, उनको कुछ पैसा नहीं लगेगा। जो जनरल EWS कैटेगरी है और इस सर्विस इंक्लूडिंग उनको 50 रुपये लगेगा यहाँ पर एप्लीकेशन फी के द्वारा। आप इस सर्विस के जाके ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हैं। अदर बैकग्राउंड क्लास कैंडिडेट से 50-50 लगेगा। हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं, आपका फॉर्म फिलअप आपको हिंदी इंग्लिश में आपको करना होगा, कोई भी गलती नहीं करना है। आपको फॉर्म डॉक्यूमेंट्स होगा एटलीस्ट लेटेस्ट फोटोग्राफ्स आपको देना होगा, वेरिफिकेशन होगा, आपको 4 फोटोग्राफ्स आपको देने होगा, 4-8 तो आपको देने होगा। ठीक है, फॉर्म में कोई गलती नहीं आप कर सकते हो। लास्ट बार सुनो दे दिया आपको जो 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 डॉक्यूमेंट हो और डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट ग्रेजुएट ऑफिसर और सेल वेस्ट करके आपको भेजना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो जो उन्होंने दे दिया कैजुअल पेड लेबर प्रूफ ऑफ सर्विस मैन डिपार्टमेंट द्वारा जो दे दिया सब कुछ आपको दे दिया, ये जगह भी आप चेक सकते हैं। और फिजिकल हैंडिकेप से उनके भी डॉक्यूमेंट से लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे दिया आप जाके देख सकते हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो रिपोर्टिंग होगा तब आपको ओरिजिनल कॉल लेटर आधार कार्ड फोटो आईडी प्रूफ कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट डोमिसाइल जो भी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आपको देना होगा। ठीक है,
और जो जो आपको रिटन टेस्ट होगा आपको ब्लू और ब्लैक पेन पे आपको पेन ले जाना होगा। अगर पेंसिल अपन ऑटोलॉज होगा तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, अगर प्रैक्टिकल पेपर टेस्ट टेस्ट होगा, इसकी एक्सपीरियंस सब कुछ आपका होगा। अब जाके भी आप जाके सर चेक करते हैं, मेडिकल टेस्ट सब कुछ आपका होगा ठीक है, और रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट इम्प्लॉय सब कुछ पेपर उन लोगों ने दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं ठीक है। पीडीएफ और ऑफलाइन का लिंक आपको दे दिया मैंने ठीक है, फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिल जाए। हमारे चैनल में रोज वीडियो होते हैं, आप जरूर देखिएगा। चलिए मैं अब चलता हूँ, थैंक यू, गुड बाय।